और काल के प्रमाण के अनुसार आज लक्ष्मीनाथ जी की 60 बेटियों को इस वर्षों के नाम से जाना जाता है, जो कि हम देखते हैं हमारे काल का परिमाण में 60 सेकंड से एक मिनट होता है। 60 बजे का 60 फल ऐसे ही 60 साल, 60 साल को षष्ठी पुत्री का है। एक पूर्ण जीवन को जो बुढ़ापा आने से पहले भी अपने संसार में करता अपनी अपने कार्य करने की क्षमता रखता है, जिसका प्रमाण 60 साल का है। जो अपने शरीर से कर्म करते हुए जी सकता है वो 60 साल का प्रमाण का है। तो उसको उसने अगर षष्ठी पुत्री 60 साल पूर्ण कर लिए तो उसकी षष्ठी पुत्री की जाती है। कर्म के इसके आगे करने के लिए जो काल कहा गया है वो तो भगवान का दिया हुआ आगे का प्रमाण का गया है। हम आज के दिन 60 साल के पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते हैं, 60 साल पूर्ण होने पर प्रार्थना करते हैं कि हे काल, तुम हमें इस प्रकार की आयु वृद्धि आयुष्य प्रदान करो कि हम काल की गणना कर सकें। जिसने काल की गणना की, जिसने काल को अपने ऊपर से काल को समझा, काल के ऊपर प्रमाणित किया, काल के बारे में ज्ञान रखा, वो संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। जो काल को जिसे टाइम पास कहते हैं, टाइम पास करने में टाइम तुम्हें पास करता है, टाइम के मतलब तुम टाइम को पास नहीं कर सकते। काल क्षय का अर्थ होता है कि काल को क्षय करने का, तुम्हें कह सकते काल को क्षय करने का, तो तुम्हें आज का दिन चले गए तुम्हारी आयु में एक दिन चला गया, काल तुम्हें क्षय कर रहा है, तुम काल नहीं। इसलिए उस काल के ज्ञान को, काल की शक्ति को हमें पहचानना चाहिए। और उसे पहचानने के लिए हमारे ऋषियों ने एक पंचांग का निर्णय किया कि हम सूर्य चंद्र इसके ऊपर दिन प्रमाणित होता है। सूर्य का उदय हुआ, उसका अस्त हुआ, उसके दिन काल है, और सूर्य अस्त से लेकर सूर्य सूर्योदय तक को रात काल है। इसमें भी चंद्र भगवान भी हैं, जिससे 15 दिन तक अपनी कलाएँ देते हैं और 15 दिन कलाएँ क्षीण होती है, जो पूर्णिमा और अमावस्या के को। तो इन के साथ उन्होंने कालगणना की। कालगणना केवल अपने पास ही नहीं है, कालगणना किसी भी कहीं भी उसके भी भाषा में हो, केवल अपनी ही दैनिक लिपि को वो लोगों ने अपनाया है। चाहे मैंने जैसे कहा कि आप लोग रविवार के दिन चंद्रेश्वर संडे के थे, संक्रमण को उन्हें सूर्य मंडे के थे, मोन करने तो वो लोग सोमवार के थे, मंगलवार को ट्यूजडे ही देते हैं, सैटर्न को शनिवार को शनिवार के थे। तो उन्होंने भी अपने को ही अपनाया है, चाहे वीक को चाहे हफ्ता कहते हैं या इतवार कहते हैं, जुमेरात कहते हैं, जुमे बाजार, इसे इस विषय में वर्ग को हमारे पास के साथ लगा है। बिना सनातन धर्म की इस कार्य की प्रक्रिया को किसी ने भी प्रमाणित करके दूसरे कार्य के लिए नहीं किया, यही बात यही थी, यही नक्षत्र दिया गया है। तो इसलिए इस कार्य प्रमाण को हम नमस्कार करते हैं। जिन ऋषियों ने इस कार्य प्रमाण को निकाला उन ऋषियों को नमस्कार करते हुए, उन देवताओं को नमस्कार करते हुए आज युग के आरंभ के दिन हम उस काल का नमस्कार करते हैं। काल के पंच अंग है, जैसे हमारे पंच महाभूत है, हमारे शरीर पंच महाभूतों से तैयार हुआ है, उन पंच महाभूतों से पंचांग तैयार हुआ है। जैसे आज की तिथि क्या है, आज का त्योहार क्या है, आज का नक्षत्र क्या है, आज का योग क्या है, आज का करण क्या है, करण का मतलब क्या करना चाहिए, इस प्रकार की चीजों को पंचांग बता गया है। हर एक वृक्ष को भी पंचांग बोलते हैं, जैसे मूल जड़ पत्ते फूल और पान फल, इसको उसका उसका पंचांग कहा गया है। हमारे शरीर में भी पंचांग है, पंच महाभूतों का पंचेंद्रिय है, पंचांग है, पंचगुण है, हम भी इन पंचांगों से हुए, तो इसका काल के साथ संबंध है। इसलिए हमारे ऊपर जो प्रभाव काल डालता है इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंचांग को आज के दिन सुनना चाहिए। पंचांग की पंचांग को आज के दिन सुनने से कहा जाता है कि हमारे ऊपर काल का दुष्प्रभाव नहीं होता, खराब प्रभाव नहीं होता। इसलिए हम आज पहले पंचांग में दिए हुए गणेश जी का स्मरण करते हुए पंचांग को सुनेंगे। जैसे मराठी में कहा गया है, हम संस्कृत की देवनागरी लिपि को गजन करने वाले हैं। पहले जाते पंचांग के अनुसार जैसे हमारे बसाए पढ़ना बाद में इसका अर्थ आपको पढ़ लेता हूँ। श्री गणेशाय महाश्री सरस्वती नमः, संवत्सर भरम सजय दुर्वनो देवो विपाल का स्मरण,
वासना में ये तब साम नाटी नाटी की उठाना तार्थी ये गिरावना के स्मरण के लिए ऐसा सुधर ले होता जब प्रमाणित इन्हें सम्मान का नाटो तो जब प्रमाणित तो इन्हां का नाटो तो सिद्ध वर्ग के उत्कर्ष भाव होता है अथवा अपने केदार महा विष्णु शिवाज का सर्व पक्षे सर्व कामात्म सिद्धे सर्व कार्य की सिद्धि होने के कारण श्री ग्रह जी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यंता ज्ञान अनुष्ठा और समुद्र प्रशांत को उत्तर समुद्र शुरू होते हैं श्री ग्रह प्रजोरी मंगल स्नान अपेक्षित ब्राह्मणा जीवन की पुरुषी पूजा करवाई क्रिया कोमले अन्ना मुद्रा लगा के भूषित उत्साह करवा ज्योति शास्त्र सत्कार कर त्याग कर वशिष्ठ करवे मणि ने वर्ष लाभप्रद हुई प्रथम मंगल स्नान कर पूर्णता पर उत्तम धैर्य स्वरूपा का कोया मन छे दृढ़ कर कोई सचिन के प्रमाण ये पहली जाना सुखल के आयुष्य वर्ष संपत्ति प्राप्त होता मेरे गुरु कभी गोवा को शाखा या जैसे पुष्पा से कड़वी पास का कोया मन छे ಪ್ರಧಾನಿ पश्चात अन्य प्रसन्न के रास्ता के नश्य प्राप्त चैत्र पूर्णि में वसंत समय नव्यम फलम आशिकम चित्रम की श्रेया अहो कदल चायु ऋषि कर मेहा विष्णु थरो प्रलिप्त महिला सौम्य गुरु भागो तो उस शशिश्च सर्वे मध्यवर्षी वसंत दूत ने कारक्षा की तो मैं धर्माने नवीन वर्ष में वर्ष को जीवन के लिए अस्ता पाठकांशा उमंता नाशमो आयुष्य यश लक्ष्मी यश वृद्धि होते ब्रह्मा विष्णु महेश रवि चंद्र मंगल बुध गुरु कृष्ण जी राहु के लिए सर्व शत्रु का नाश करो प्रसाद प्रसाद के लिए ऋषि के भक्ति पूर्व समुद्र पर समर्पण करता ये रोज रोज रहता है को नान नान और जंगा नान युक्त होता सूर्य पिता आरोग्य श्री वंदरो तथा ईशा की महाराष्ट्र ऐसी गुरु बुद्धि की गृह गौरव जो उस पर कौन वाणी को वाट करो छह यहाँ तो राहु बहुमत देव ने केतु सूर्य प्राची विनती करो इसी जैसे समय में व्यवस्थित हो ये वाराह समय प्राप्त किया वर्तमान ब्रह्मण श्री सिद्धांत श्री सिद्धांत महाराज के राज्य उत्पत्ति संरक्षण को लेकर कालीपुत्र शास्त्री महावीर का नाविपुत्रा पर उत्पन्न धरलिया ब्रह्मनिवास के आयुष शंकर वर्ष आए त्यापैकी 50 वर्ष होम गेली सापत एकमत नामया वर्षाच्या पहिल्या वर्षाच्या पहिल्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसाच्या दर्गा केल्यामुळे वेगळ्या शाणी ते अष्ट होम गेले चार गेली तथा वेळ होऊन गेली म्हणजे ब्रह्माचा एक नामदेवाचा एक दिवस होते कन्याची नामी त्याची एक लाख असते ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसात 14 यांची नावे स्वयंभू अरुषी उत्तम हमें पंचांग के अनुसार तिथि नक्षत्र योग और तरण
वार इन पंचांगों का नित्य हम पाठ करने से हमारे उस हमारे शरीर में नित्य होने वाले जो कोई भी रोग आने से पहले इसका ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए पंचांग का श्रवण नित्य करना सुखकारक कहा गया है। पंचांग के श्रवण से आज कौन सा योग है, इस योग में कौन सा काम करना चाहिए न देना चाहिए, इसका ज्ञान होने से मनुष्य स्थिति को प्राप्त करता है और कार्यों को अपने होते हुए देखा करता है। हम इस समय ये वर्ष केवलमी नाम का वर्ष था, इसका नाम ही हिमल दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में एक 21वीं कन्या है और 21वीं कन्या 60 कन्याओं में 21वीं कन्या है, जिसके कारण आधा इधर और आधा इधर बीच का ये वर्ष है, 60 वर्ष में का बीच का वर्ष है। इसे तुलामान वर्ष कहा गया है। तुलामान का वर्ष होता है जल के 30 वर्ष और 21 वर्ष का बीच का साल इसे हेमलंबी कहा गया है। इस हेमलंबी कन्या की विशेषता यह है कि यह 12 राशियों को 6 राशियों को एक तरफ 6 राशियों को एक तरफ और 27 नक्षत्रों में बीच के 24 में 12 तो 3 राशियों को एक तुला राशि में लेकर तुला में लेकर बैठती है। इसलिए इस राशि को हेमलंबी राशि कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जैसे हमारे पास उत्तरायण और दक्षिणायन है, अमावस्या और पूर्णिमा है, उसी प्रकार इसमें भी शास्त्रों में इस साल जो गुजर गए उसमें कितना भी अच्छा हो या बुरा हो, ग्रह चीज ठीक रहे ना रहे, फिर भी तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के ग्रह अपने अपने स्थानों का फल भोगते हैं और अच्छा फल भोगते हैं। इस हेमलंबी समस्या के बाद मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों को राशि ग्रह किसी भी तक रहे उनको फल अच्छा ही मिलता है। यह एक इस साल का फल है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, जब अपने ग्रह ठीक ना हमारी अनुकूल का प्राप्त ना हो तब पंचांग के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, हम किस राशि में हैं और किस तरह का करना है। चेतना के अनुसार ये प्रयत्न कर रहा है कि हम इसके बारे में देखें कि लोगों को किसी प्रकार के ग्रहों द्वारा राशियों द्वारा देवताओं द्वारा या किसी पाप या कर्म के द्वारा दुष्फल मिलता है तो दुष्फल को किस प्रकार का निवारण करने से क्या फायदा होता है, इसलिए हमने इसका नियुक्त किया है। अपने भूमि यानी माता को कष्ट पहुंचाने वाले, जैसे बार बार बोरिंग डालने वाले यानी माता को छेद करने वाले, बार बार जमीन को खोद कर देखिए बात करने वाले, आप फल के लिए भूमि खोदो कोई बात नहीं, कहीं झंडी के खोते हैं, कहीं खड्डों के लिए खोते हैं, ऐसा करने वाले के लिए भौं बहुत पूरे अपने माता को कष्ट होते हुए वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे कार्य को कम करना चाहिए। ऐसे कार्य पता करके वो राजा होने के कारण शिक्षा के लिए नहीं मिलता है। कहता है कि मेरी माँ पुत्री है उसको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, वो अंगीरा तत्व का अभी तत्व का रहने के कारण हम उसके राजा को प्रसन्न करते हैं तो हमारे सारे ग्रह प्रसन्न हो जाए। तब उसके लिए क्या करना चाहिए कि नित्य स्नान करने के बाद इस हेमलंबी नाम संवत्सर में ओम मंगल को प्रीति से सिंदूर का तिलक करने कर लेने के बाद 11 बार स्नान करते ही कोई आसन बैठ के स्नान करते ही जिसके स्नान बाद उसे बना रहते हैं तब इस मंत्र को करना चाहिए। ओम क्राम क्लीम ड्रॉम सौ होमाय नमः। हे राजा तुम्हें नमस्कार करके हमारे यहाँ से पृथ्वी पर कोई गलती ना होने दे, कोई गलती करने का कार्य हमारे से ना होने दे, अकारण भूमि को खोदना अकारण कोई भूमि को कष्ट पहुँचाना इन भूमि को पसंद नहीं है, वो वैसे करने वाले को शिक्षा प्रदान करता है क्योंकि वो राजा है, इस बात का ध्यान रखें। इस बार हम धूम मंगल राजा रहने के कारण एक बार स्वामी विश्वानंद जी के भी महात्मा होके गए, संत होके गए कलकत्ता में, एक बार बैठे हुए थे तो उनको यह पूछा गया कि प्रभु ये साल हेमलंबी नाम का वर्ष है और इसकी विशेषता क्या है कि हाँ क्या करते हैं। तो विश्वानंद जी ने कहा कि इसी वर्ष कृष्ण गरीब हो गए, बलराम गरीब हो गए, एक बार रुक्मिणी अपने मथुरा में बैठे बैठे एक क्षुद्र जाति का व्यक्ति घर में रंगोली करते हुए लक्ष्मी की पूजा कर रहा था, उसने रंगोली उन्हें सब डाली केवे के उन्हें सब रखा तो रुक्मिणी लक्ष्मी थी इसलिए भागते हुए उस क्षुद्र के घर गई और उसको उसका जहाँ उसने आशीर्वाद दिया और केवे भी ग्रहण कर दिया। तब तक कृष्ण और बलराम सब घर के लोग प्यार करके रुक्मिणी कहाँ गई तो उनको पता चला कि रुक्मिणी शूद्र के घर गई तो उसको घर में आने ना दे दरवाजा बंद कर दिया गया। रुक्मिणी ने कहा
तो वो मुझे घर का दरवाजा नहीं आया, मैं घर की हूँ, मैं लक्ष्य में मुझे घर में आने नहीं देगा, इसलिए मैं हाथ से फंस कर निकल जाती। जैसे ही लक्ष्मी चले गई, कृष्ण को खाने खाने के लिए जाने के लिए व्यवस्था पड़ा, बलराम को खाना नहीं, उस सिफारिश नहीं, गायब गए दो दिन अमन। फिर कृष्ण कह रहे हैं कि ये हुआ क्या, तुम ये रुक गई, लक्ष्मी रुक गई। तब कृष्ण ने कहा उसको ही इतना गर्व है, मुझे क्या करना चाहिए, चल बलभद्र भैया हम अपने बहन के पास जाएंगे, जो बहन मुझे सामने लेगी। और बाहर एक टिप्पणी में रहती जयनाथपुरी में, जयनाथपुरी के रह रहे थे, वहाँ उसका ससुराल था, बहन वहाँ रहती। तो दोनों निकले तो रथ पर रथ पर बैठ कर जा रहे थे, तो घोड़े घोड़ों खाना नहीं आया, घोड़े घोड़े हो गए, घोड़ा घोड़ा चलना बंद हो गया। फिर थोड़ी दूर के रथ टूट गया, अब कृष्ण और बलराम जाकर अपने पाप विचार वो उनको पहचानने के लिए तैयार है। समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए आगे जाली पड़ गई, पूरे फटे कपड़े हो गए, पूरी रुक गई है। तो आते आते बस मूली में आ गए, और जैसा ही समुद्र के तट पर आए उन्होंने पूछा कि सुभद्रा बहन हम आए हैं, तो भैया ये क्या हाल बना के रखा है, तुम्हें हम तुझे बाद में बता दें, पहले घर को ले जाओ घूम के लिए। उन्होंने कहा सुभद्रा मैया ने कहा अरे तुम्हें भूख लगी है, तो कल तक सब ध्यान नहीं था, मैंने अभी अभी शरीर को मार दिया तो ठहर जा रही थी, तो सुभद्रा जी को क्या है उसके बर्तनों में भी चावल नहीं है, रुकमी की लक्ष्मी को माया। फिर उसने ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा थोड़े से चावल मिले, उस चावल को पकाने के लिए पानी नहीं था, खारे पानी से नहीं पकता, फिर मीठा पानी लाना कहाँ से, वो मार था। तब माता सुभद्रा ने कहा कि भैया हुआ क्या ये तो बताओ, बोले रुक्मी है वो रुझ गई हमारे से और चली गई, उसके लिए हमारे से दरिद्र था वो लक्ष्मी है, हम रुझ गए, हम हाँ ये है कभी, तो भैया तो रुक्मी को बुला था नहीं उसको गर्व है तो हमें क्या, हम तो पुरुष है, गाय का पुरुष खाने के लिए डरनाए करा देखो तुझे। फिर सुभद्रा माँ ने जाकर रुक्मी को प्रार्थना की माँ गलती होगी, अभी तुम ऐसा करने से कैसा होगा, कृष्ण देखो बलराम प्रभैया का क्या हालत हो गया है, आप उनके लिए तो आओ। तो लक्ष्मी मैया भी तो माया रहने के मन करना नहीं उसमें भी है, उसने कहा एक बार तो मुझे बुलाओ बोलो ना, ऐसा उसने कहा, कृष्ण को कहा एक बार मुझे बुलाओ बुलाने के लिए कहो, बस बोलना नहीं था मैया एक बार तुम्हें को तो बुलाओ, माता लक्ष्मी को तो बुलाओ। तो उसने कहा भूख लगी तो पहले किनारे बन में बुला लो, भूख मिटाने के लिए तो पहले भी तुम बुला लो। तब कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी आज आप भूख बहुत लगी है, कहते हैं आज भी जगन्नाथपुरी के उस मंदिर में जहाँ रुक्मिणी का स्थान है, रुक्मिणी खड़ी हुई है, वहाँ उस समय मीठे जल का स्त्रोत्र नीचे से ऊपर है, उस मीठे पानी को डालकर उसने सुभद्रा ने खाना पकाया और वो खाना नहीं कृष्ण खाए और बोले कि रुक्मिणी आज आपकी पास नहीं करूँगा, सब मानव एक है, तुझे सभी जगह जाने का अधिकार है, मेरी गलती हुई कि तुझको सभी के ऊपर कृपा करता है, उसी तरह मुझे भी मुझे आज पता चल गया कि अगर लक्ष्मी रूठती है तो कितना कष्ट होता है। तब उस पानी को आज भी पूरी में सब लोग मीठे पानी के लिए क्योंकि समुद्र खारा होता है, क्योंकि मंदिर में आज भी वो मीठा पानी रखा हुआ है। तो वो पानी के लिए उस दिन जिस प्रार्थना को किया गया सुभद्रा माता ने उसे वही को भी मन में आवश्यकता और बिना खोले रुक्मिणी के कहने पर नीचे से पानी मिठाया, आज भी वो बोले कि माँ आप जगन्नाथपुरी दे सकते हैं। तो इस बात को जब पता चला और कृष्ण ने वो भाग खाया तो वो खुश हो गया, बात में कहने लगे कि भैया इतने दिन रहे अब कैसा, तुमने कहा आते हुए थे मेरा रथ टूट गया था, तो तब सुभद्रा माता ने रथ बनवाया, रथ बनवाकर उसमें खड़े हो गए। तो उसने उस समय नारद महर्षि आए और नारद महर्षि ने कहा कि देखा रुक्मिणी के रोगी से कितना कष्ट हो गया, रथ में ही आज सुभद्रा माता ने रथ बनाया और उस रथ रथ बनाकर वहाँ बैठा, तो सुभद्रा को लेकर बलभद्र भी चढ़े उसके ऊपर, सुभद्रा भी चढ़े और कृष्ण भी, उस दृश्य को लेकर नारद महामुनि कहते हैं कि प्रभु ये दृश्य संसार के लिए श्रेष्ठ हो कि जगन्नाथ भी अगर गलती करते हैं तो उनका रथ भी टूटा हुआ बहन के घर पर रथ को लेके गए, उसी को जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा को जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जो भगवान सुभद्रा ने कृष्ण और बलराम को बिठाकर मथुरा को भेजा था उस रथ यात्रा का कार्यक्रम आज होता है। और वही भाग जो रुक्मिणी ने सुभद्रा जी ने श्री कृष्ण और बलराम को रथ दिया था उसको कहते हैं कि इस पूरी में जो भी इस भाग को खाता है या जो सुभद्रा माता ने कृष्ण को बना के दिया था,
तो उस भाग को क्या जगन्नाथ का भाग जय प्रसाद के हाथ में, जय सारा हाथ प्रसाद को लेना है उस भाग को, और उस भाग को लेने के बाद किसी प्रकार की लक्षण में कमी नहीं होती, कोई गलती से हमारी लक्षण के ऊपर रूठ भी गई हो तो लक्षण प्राप्त होती है। तो यह मरी के बाद वहाँ से लिखना चाहिए। तो एक बार विश्वनाथ जी भी अपने आश्रम काशी पर बैठे थे, तो सभी लोग उस समय भी हेमलम के नाम का यही वर्ष आया हुआ था, तो उनके सारे शिष्य ने कहा कि हेमलम के नाम को वर्ष का कैसा होता है, तो उन्होंने कहा हेमलम के नाम समझना बहुत कठिन होता है, यहाँ हम कृष्ण बलभद्र रुक्मिणी को अगर हम पूजा करते हैं तो ये कृष्ण ये संस्थान ठीक रहेगा, पहले हमारे घर पर कृष्ण सुभद्रा और प्रणाम पर खुद रुक्मिणी घर में आएंगे तो नहीं आएंगे। सभी लोग हमारे थोड़े विद्वान ब्राह्मण होते हैं, उन्होंने कहा कि क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, क्यों आई वृद्धि के नहीं रखेंगे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी इच्छा रखो या ना प्रकार को तुम्हारी इच्छा। कृष्ण सिद्धांत जी बोले आओ हम सब जो सब लोग भी पूरी करते हैं, लेकिन मुझे मेरे आश्रम को चलाने के काशी के आश्रम को चलाने के बलभद्र कृष्ण को आज आह्वान करना है, मैं जाना। वे समुद्र के तट पर गए और कहा कि फिर अकाल युद्ध न करना, मारुति को नहीं रुकना, तो हमारे घर में आने के लिए तो मुझे प्रसन्न हो जाओ, और उन्हें प्रार्थना की, और जैसा ही समुद्र में डुबकी लगाई उनको कृष्ण की मूर्ति और बलराम की मूर्ति प्राप्त हुई, और वो कृष्ण की सभी मूर्ति ने बताई। आज भी अगर कृष्ण आश्रम में आप जाते हैं तो वो कृष्ण की मूर्ति है जो समुद्र में उनको मिली थी, और उसके न्याय को उन्हें आह्वान किया तो बोले कि कृष्ण की मूर्ति सही है, इसमें कैसा होता है। सिद्धांत जी ध्यान में चले और कहा कि आप ही बता दो कि समुद्र हेमनमी नाम समुद्र की जो दुष्क्रियाएँ हैं वो हमारे प्राप्त नहीं होगी, इसलिए आप यहाँ आए हैं इसका उदाहरण बताओ। उन्हें सफेद कपड़ा डालकर उसके ऊपर कृष्ण की मूर्ति रखी और ध्यान में चले गए। देखिए क्या है, कृष्ण की बाल मूर्ति चले उसके आज भी उसके बाल के चाप वहाँ रखा हुआ है। इस प्रकार अगर हम आज हेमनमी नाम समुद्र में अपने घर पर सुभद्रा बलराम और श्री कृष्ण की फोटो लगाते हैं तो हमारे पुत्र रहेगी और हमारे घर में इस वर्ष भर किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बलभद्र को भी भूमि को जोतने वाले कह गए कह गए हैं बलभद्र के पास जो जोतने का चीज है, इसलिए वो हल है, इसलिए हम कहते हैं कि भूमि को कष्ट ना पहुँचे इसलिए इस चीज को रखा गया है, और जो अपने घर के द्वार पर बलभद्र सुभद्रा कृष्ण का फोटो लगाते हैं या यंत्र लगाते हैं तो उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, इसलिए हेमलम के नाम वर्ष के ऊपर इस फोटो को लगाना चाहिए। इसको लगाते समय शास्त्रों के अनुसार इस मंत्र को बोलना चाहिए, हेमलम बे रूपांतर वे परस्पर अवरोधन प्रजा पीड़ा तथा भी सूर्य होता है। अभी यहाँ का राजा बहुत कठिन होता है, शिक्षा देने वाला हेमलम नाम के समुद्र का राजा कठिन है, वो भूम है, कोई भी जल्दी करता है तो उसकी शिक्षा उसको तत्काल मिलता है, तब किसी जगह भी सुखी रहने के लिए हम इस जगन्नाथ जी की मूर्ति को लगाना चाहिए और मूर्ति की फोटो लगाते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। मन्नाथ से जगन्नाथ मत गुरु से जगत गुरु मत विद्या से महाविद्या मत गृह से गुरु निवास, मेरे घर में गुरु जगन्नाथ के रूप में निवास करे और मेरे घर में किसी प्रकार की कमी ना हो, इसलिए इस देवता की मूर्ति की स्थापना करना चाहिए। इस प्रकार प्रेमनाथ जी का राष्ट्रों में जिनका गुरु अच्छा नहीं है और शनि के मुख्य देवता क्यों कहे जाते हैं, इनका काल बहुत बड़ा है, गुरु 13 महीनों तक ठीक नहीं होते और शनि 20 महीनों तक, ये काल बहुत बड़ा है, बाकी रवि चंद्र शुक्र सब एक एक महीने एक एक दिन बुध वगैरह सब एक एक महीने वाले हैं, एक महीना ठीक नहीं जाए तो दूसरा महीना तो ठीक होगा, लेकिन इनका काल ज़्यादा रहने के कारण साधारणतः मनुष्य लोग गुरु और शनि को ही कहते हैं कि ये हमारे लिए अनुकूल है या प्रतिकूल, जिनको जिनको भी गुरु शनि और गुरु अनुकूल या प्रतिकूल है उन लोगों को क्या क्या करना चाहिए इसके लिए क्योंकि हम ये बदला रहा है। इस वर्ष जिन राशियों के ग्रह पीड़ादायक है या महादशाएं पूर्व राशियों से जुड़े हुए हैं वे पूर्णिमा को सफेद वस्त्र में सफेद तिल या अमावस्या को काले कपड़े में काले तिल का दान करें, कष्टों का निवारण होगा। अगर तुम्हारे कोई ग्रह अच्छे नहीं है इस वर्ष में तो पूर्णिमा के दिन सफेद वस्त्र में सफेद तिल को दान करना चाहिए या अमावस्या को काले वस्त्र में काले तिल को दान करने से इस संसार के अंगीरस्थ ऋषियों से होने के कारण तिल को अग्निबीज कहा गया है, और इसको दान करने से भौम शांत होते हैं, इसको दान करने से हमारे कष्टों का निवारण होगा। अगर तुम्हारे कोई ग्रह अच्छे नहीं है, शनि महादशा चल रही है, राहु महादशा चल रही है, केतु महादशा जो पूर्व ग्रहों की दशाएं चल रही है या भौम दशा चल रही है, तो इस प्रकार दान करना श्रेष्ठ कार्य है।
विशेषकर विद्यार्थियों को सफलता के लिए छोटी उम्र में पन्ना धारण करना और बुद्धस्तो का पाठ करना सफलतादायक है। भौम राजा होने के कारण विद्या बुद्धि में बहुत गड़बड़ करने वाले बच्चे होते हैं। बात की जब मुश्किल होता है तो वो लोग अपनी छोटी सी उंगली में पन्ना मराज पत्सा कहते हैं कि मतलब उसकी अंगूठी अपनी छोटी उंगली में धारण करना चाहिए और बुद्ध स्त्रोत्र का पाठ करना चाहिए। इस वर्ष व्यापारी सरकारी कर्मचारी कार्मिक वर्ग आर्थिक उन्नति के लिए जो पैसा कमाना चाहते पैसा कमाने वाले हैं कर्म करते हुए पैसा कमाने वाले हैं उन लोगों के लिए इंद्रनील मणि को त्रिधातु की अंगूठी में अगर बीच की उंगली में डालते हैं तो उनको सफलतादायक है। इस वर्ष स्त्री वर्ग अपने सुख सौभाग्य के लिए स्त्री की अंगूठी धारण करें और शुक्रवार को अष्टाध्यायी स्तोत्र का मंत्र का पाठ करना ठीक है। इस वर्ष कला क्षेत्र में रहने वाले कलाकार या कला संबंधी कार्यों में धनोपार्जन करने वाले शुक्र यंत्र या अंगूठी या शुक्र यंत्र को अपने पास रखें। शुक्र मंत्र नीचे 11 बार उच्चारण करना ठीक रहेगा। कृषि पर आधारित है जो खेती वगैरह करने वाले हैं उन लोग किसान लोगों के लिए और धान्य के व्यापारियों के लिए नित्य 11 बार श्री कृष्ण शरण मोहन करते हुए श्री जगन्नाथ का यंत्र धारण करना ठीक रहता है। जो सैनिक पुलिस खाते में हैं रक्षा खाते में हैं वैद्य हैं डॉक्टर हैं ऐसे लोगों के लिए विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये वर्ष उनके लिए अच्छा नहीं है। वो लोग उपद्रवकारी इसकी शांति के लिए नित्य 11 बार सूर्य गायत्री का पाठ करना ठीक है। सूर्य गायत्री इस प्रकार है ओम आदित्याय महेश शस्त्र प्राणायाम चंद्र सूर्य चौदह ये मनाल खाते उन्हीं में माणिक रूबी को धारण करना ठीक कहा गया है। इसी प्रकार राशि के अनुसार कौन कौन क्या करें कौन कौन क्या ना करें इसके लिए राशि के अनुसार लिखा गया है। मेष राशि वाले मीठी रोटी गाय को खिलाएं कम से कम वर्ष में 40 दिन सोने के जगह गुरुद्रव का उपयोग करें। जहाँ सोते हैं आप वहाँ गुरुद्रव का एक बड़ा ध्यान से नहीं चाहिए नहीं तो घर का सामान चोरी होने की शक्यता है इसलिए मेष राशि वाले इस बात को ध्यान रखें। अब क्या ना करें काले काले एवं अपाहिज व्यक्तियों से दूर रहें। मेष राशि वाले इस वर्ष में कभी भी लकड़े झूले और पहले लोग के तो दान ही देना दान दिए तो ये लोग लूले लग रहेंगे इनके बच्चे बनेंगे दान नहीं देना चाहिए। मेष राशि वाले ध्यान रखें उनसे कोई दान ना लें या कोई सहायता लें और मीठी वस्तुओं का व्यापार ना करें। मीठी वस्तुओं का व्यापार करना मेष राशि वालों के लिए अच्छा नहीं ये लोग उनका उनकी अच्छाई के लिए उनकी रुद्रा को धारण करें और वो क्लीन प्रमाण इस मंत्र को करें। वृषभ राशि वाले उनकी राजधर्म स्थान में दान करें गोदान करें शुक्रवार का उपवास करें दूध दही घी धर्मस्थान में दान दे दें। वैसा ही पढ़ाई स्त्री पर विश्वास कर कोई व्यापार या घर से संबंधित कार्य ना करें नुकसान हुआ मुक्त या वज्रमणि का दान ना करें चांदी किसी के दान ना दें। ये लोग चौकी रुद्राक्ष धारण करते हुए ओम भीम नमः या ओम ब्रह्मदेव वाले नमः इस मंत्र का जाप रोज एक माला करें। मिथुन राशि वाले गुरु से पुष्कर मंत्र का हर्ष वर्षा के लिए श्यामल और दूर धर्मस्थान लगे ऊँ विभोकर कुपुत्रों को दें। घर में पशु पक्षी ना पालें तामसिक भोजन का परित्याग करें नहीं तो कोई ना कोई दीर्घ रोग हो सकता है जैसे मांस खाना मछली खाना करते हैं उनको दीर्घ रोग हो सकता है। वो लोग सप्तम के रुद्राक्ष धारण करते हैं ओम भीम नमः या ओम महात्मय नमः इस मंत्र का जाप करें। कर्क राशि वाले चांदी के बर्तन में दूध पानी के गेहूँ गुड़ तांबा दान करें चावल चांदी और दूध बेटी या संतान को दान दें। सफेद वस्तुओं से निर्मित चीज़ों का व्यापार ना करें घर में खरगोश ना पालें पितरों को खाना स्वयं ना खाएं चिड़ियों को खिलाकर खाएं। अगर कर्क राशि वाले पितरों का खाना है जो सार्थक का खाना होता है अगर वो खाने से पहले खाने को चिड़ियों को देकर पालते हैं नहीं तो रोग हो सकता है। त्रिमुखी रुद्राक्ष का धारण करें ओम नमो ब्रह्म विष्णु महेश्वराय माँ या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सिंह राशि वाले अंधों को भोजन करवाएं साला दामाद एवं भांजे की सेवा करें ताकि हमेशा पाल रखें। बड़ों पर क्रोध ना करें उनका अहित ना करें किया हुआ वादा ना भूलें दैवित कोट के कमरे में अंधेरा रखें। पंचम तीर्थ राशि को धारण करें ओम भीम नमः या ओम नमः शिवाय का मंत्र करें। कन्या राशि वाले बेटी को माँ जैसा प्यार स्नेह दें घर में हरे रंग का प्रयोग ना करें बुधवार को उपवास रखें दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाएं कुमारी पूजन करें और पूजा का स्थान परिवर्तित ना करें बिना नदी के दृश्य धोए नवीन वस्त्र धारण ना करें घर में तुलसी या मनी प्लांट के पौधे ना लगाएं। ये लोग कोई भी नया कपड़ा स्टार नहीं देना चाहिए नया कपड़ा पहनने से पहले कन्या राशि वाले भिगोकर पानी में भिगोकर बाद में पहने। ये लोग चौथी रुद्राक्ष को धारण करें ओम भीम नमः या ओम ब्रह्मदेवाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करें नहीं तो अनिष्ट हो सकता है। तुला राशि वाले गोमूत्र का पान करें गेहूँ और पीड़ित सरसों को धर्मस्थान में दान दें मक्खन आलू और दही का दान करें। घर में कदापि तुला राशि वाले संगीत नृत्य का
आज इतना तय करने से उनके घर में कोई ना कोई पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। सफेद गौ को ग्रास ना दें, दूसरे गायों को ले सकते हैं। मद्यपान का निषेध करें, मद्यपान ना भी ये लोग श्रीलोकी ग्रंथ को धारण करें। ओम ह्रीम नाम महा क्या ओम कार्तिकेय महा इस मंत्र को करें। पुष्टिक वाले मंगलवार को उपवास रखें, हनुमान जी की उपासना करें। मुर्गे शर्मा रात्रि को शयन करते समय अपने भाभी की सेवा करें। तंदूर की रोटी ना खाएं, पीपल का वृक्ष ना काटें, बड़े भाई की अवहेलना ना करें। घर में दूध उबालते समय जले ना पाए, ऐसा होने पर तीव्र रोग हो सकता है। पंचम दिन ग्रह धारण करें, ओम ह्रीम नमः या ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। धनुराशि वाले कर्मस्थान में घी दही आलू और पूर्व गांधी ने गुरुवार को एक समय भोजन करें। हरिवंश पुराण का पाठ करें। ब्राह्मण साधु या गुरुगुरी की सेवा करें। पीले फूल वाले पौधे छोड़कर दूसरे पौधे ना लगाएं। लाल या काली वस्तु पास में ना रखें। भिखारी का को निराश ना लौटने दें। त्रिमुखी रुद्र धारण करें, ओम ह्रीम नमः या ओम नमो ब्रह्मा विष्णु महेश्वराय नमः का जप करें। मकर राशि वाले पूर्व दिशा वाले मकान में निवास करें। हमेशा पास में स्वर्ण और केसर रखें। भैंस को पालें, बंजरों की सेवा करें। चमड़े या लोहे की बनाई वस्तु ना खरीदें। घर के किसी हिस्से में अंधेरा ना रखें, असत्य भाषण ना करें। सप्तमी रुद्र धारण करें, ओम ह्रीम नमः या ओम महाराष्ट्र नमः का जप करें। कुंभ राशि वाले मुख्य द्वार पर थोड़ा बहुत अंधेरा रखें। शनिवार का व्रत रखें। सोना धारण करें, दूध स्नान करें। छत पर इंधन ना रखें, मांस भक्षण ना करें। घर के अंतिम दीवार पर पेटी ना रखें। चौकी रुद्रास धारण करें, ओम ह्रीम नमः ओम ब्रह्म देवाय नमः उस मंत्र का जाप करें। एक माला मीन राशि वाले गोदान करें। केसर और हल्दी का तिलक करें। दुर्गा सरस्वती का पाठ करवाएं। मंदिर में वस्त्रदान करें। मुख्य द्वार के सामने गड्ढा ना रखें। तुलसी एवं देव प्रतिमा घर में ना रखें। इससे मदद दान स्वीकार ना करें। पंचम की रत्न धारण करें, ओम ह्रीम नमः या ओम श्री इंद्राय नमः इसका एक माला जप करें। यह संक्षिप्त रूप से राशि के अनुसार आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है आज इस संबंध के आदि दिन आपके सामने नवरात्रि की देवताएं और गुरु रहने के कारण जिनको गुरु हो और जो गुरु की उपासना करता है, गुरु की कथन के अनुसार चलता है, गुरु उनकी रक्षा करता है। अगर गलती भी हो उसके जीवन में तो उसको अच्छे मार्ग पर ले जाता है। इसलिए गुरु मंत्र का जाप करते हुए गुरु की सेवा करने वाले को किसी प्रकार का कष्ट अनुभव नहीं होता। फिर भी अगर हम हर मिनट हर क्षण गुरु के साथ नहीं रहते, इसके इन छोटे छोटे रुद्राक्ष और मंत्र का जाप करें ताकि जीवन में उस तरह के कष्ट ना आए। आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ, यह आज का पंचांग श्रवण हो, क्योंकि कल भी नहीं कहा था, आज भी आपको मैंने यह पंचांग श्रवण कहा है। ये संवत्सरम हेमडंगी नाम संवत्सरंगा చెప్పబడింది। ये संवत्सरम 60 సంవత్సరాల్లో 31వ సంవత్సరంగా మధ్యలో చెప్పబడింది, కనుక దీన్ని తులా సంవత్సరంగా చెప్పబడతారు। కాబట్టి ఈ 60 సంవత్సరాల్లో దశప్రాప్త యొక్క 60 సంవత్సరాలకి పంచాంగంగా ఏర్పడుతుంది। మీరు అడగడానికి వస్తే అడగండి, ఎవరు అడగడానికి వచ్చినా కూడా